मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा रेती बंदर परिसर में एक चाइनीज नूडल दुकानदार के साथ 5,000 रुपये हफ्ता न देने के एवज में उसके साथ मारपीट की गई है। चाइनीज दुकानदार समाधान पाटिल ने अर्जुन शिंदे उर्फ साम्या और संतोष कांबले पर आरोप लगाते हुए बताया है कि इन लोगों ने 5,000 रुपये हफ्ता मांगा और न देने पर इन लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ की और मारपीट की। समाधान पाटिल के हाथ और चेहरे पर मार लगी है और काफ़ी खून भी बह रहा था। समाधान पाटिल ने 5,000 हफ्ता ना देने पर मारपीट की घटना पर क्या जानकारी दी है, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है समाधान पाटिल। कहाँ रहते हैं आप? हम दरअसल रेती बंदर में धंधा करते हैं चाइनीज फूड का। किससे ये मारपीट आपको चोट लगी है, जो किससे हुआ मारपीट? अर्जुन शिंदे और संतोष कांबले। क्या हुआ था, पूरा मामला है क्या? ये मामला दरअसल 20-15 दिन से पहले ये लोग मेरे से आके रोज आके गाली गोली से करते, हफ्ता मांगते, महीने का 5,000 रुपये का हफ्ता दे दो। दो तीन बार मेरे को दुकान के बाहर लेके पटरी के इधर लेके मेरे को मारा। फिर पहले आपने उनके खिलाफ में क्यों नहीं आए? खिलाफ नहीं, उनका बड़ा भाई अविनाश शिंदे आया, मेरे को बोला कि ये बार छोड़ दो, ये बार मैं मैनेज कर लूँगा, उसको आइंदा अपनी दुकान के इधर दिखेगा ना, ऐसे करके मेरे को आके बोला उसका बड़ा भाई खुद। तो मैं बोला जान दे, चले एक बार छोड़ दिया उसको। तो वापिस आज दोपहर में आके मेरे को उधर दुकान पे आके दुकान का सामान फेंक दिया, बिखेर दिया, फेंक दिया पूरा माल। दो लोगों ने मेरे को उधर अर्जुन शिंदे और ये बहुत बहुत परेशानी है वो लोग। क्या नाम है? अर्जुन शिंदे। अर्जुन शिंदे और उर्फ साम्या प्लस उसका नाम ये संतोष कांबले। अच्छा, ये दो लोग। कितना मांगते हैं आपसे ये? दरअसल मेरे महीने का 5,000 रुपये हफ्ता। महीने का क्यों मांग रहे हैं? उनकी जमीन वगैरह है? जमीन वगैरह मेरा खुद का दुकान है, मेरा 7 साल से उधर दुकान धंधा चल रहा है और ये लोग मेरे को आके महीने का 5,000 रुपये तुम मेरे को हफ्ता देते ऐसे करके। यानी दादागिरी से? दादागिरी, ये लोग रेती बंदर पूरा उन लोगों से परेशान हो चुका है। तो मतलब ये लोग लोगों से भी हफ्ता मांगते हैं लेकिन बाकी लोग उनको थोड़ा बहुत इधर उधर दे देते, अपन करके गाँव वाला करके उनको हफ्ता पूरा कुछ भी देते नहीं। एक दो बार उन लोगों ने आके दुकान पे दादागिरी की धमकी, मेरे को मारा, फिर भी उनका बड़ा भाई आके मेरे को समझाया। ये बार जाने यानी कि ये दूसरी बार घटना है? चौथी बार है। तीसरी बार? चौथी बार है। ऐसा आते जाते भी गाली बिली, गंदी गंदी माँ बहन पे गाली देते हैं, बहुत परेशान हो गए। तो इसके पहले अभी आपने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई? बड़ा भाई आके बोला कि बोलो हमारे ऊपर छोड़ दो, ये बार ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा आके हम लोगों को समझाया। तो अभी आप लोग पुलिस स्टेशन में आए थे अभी? पुलिस प्रशासन से हमारी विनती है कि गंदगी अंदर परेशानी उनके। अभी FIR हुआ कि मेडिकल के लिए मेमो दिया है, अभी उनको हमको मेडिकल के लिए भेजा है पुलिस स्टेशन से। वही अर्जुन शिंदे उर्फ साम्या ने बताया कि उनके दोस्त संतोष कांबले के साथ वो चाइनीज नूडल्स की दुकान पर गए थे और उसे बताया कि वहाँ पर फैमिली भी रहती है। दुकान पर शराब पीकर कुछ लोग हंगामा करते हैं और उनको चाइनीज की दुकान से हटाने के लिए वो लोग कह रहे थे, इसी वजह से मारपीट हुई है और 5,000 रुपया हफ्ता मांगने की बात से इनकार किया है। अर्जुन शिंदे उर्फ साम्या ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है? समाधान पाटिल नाम के एक शख्स हैं जिनका रेती बंदर में चाइनीज की दुकान, उनके साथ आप लोगों ने शायद मारपीट किया है और उनका ऐसा कहना है कि आप 5,000 रुपया महीना उनसे खंडनी मांग रहे हैं, हफ्ता मांग रहे हैं। क्या ये बात सही है और इसीलिए मारपीट हुआ था? क्या हुआ था पूरा मामला? नहीं सर, उधर हमारी माँ बहनें जाती है जो उसके दुकान में जो दारू पीने वाले लोग रहते, जो बेटा था उधर दारू पीने वाले लोग, वो उधर मार गाली पीट मारबारी करते वो लोग। तो उधर हमारे घर बार है जो उधर हमारे माँ बहनों को मतलब तबलीग होती है, उसकी तरफ से हमने उसको बोला कि भाई तू तेरा धंधा बंद कर, कि हम लोग को नहीं चाहिए उधर, हमारी माँ बहनों को तबलीग होती है। तो उसने हमारे ऊपर मारपीट किया। लेकिन मार तो उसको लगी है, वो बोल रहा है कि आप थे और एक कोई कामले करके है, इन दोनों लोगों ने जो है उसके साथ मारपीट किया है। नहीं नहीं सर, हमने कुछ मारपीट नहीं किया, उसने कुछ से आके उसने चाकू पे उसका जो चाकू है जो कांधा बिंदा काटा उसने उसके हाथ से उसने उसको वार किया। वो बोल रहे थे वीडियो वगैरह कुछ है मारपीट करते हुए? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं है। उसने हमारे जो हमारी माँ बहनें उधर से जाती है, हमारे बच्चे लोग को हमारे जो स्कूल से लेके आती है, उसने उससे छेड़छाड़ी खेल है, वो जो दारू बीरू शराब बीरा पीते है वो लड़के लोग ने हमारी माँ बहन के ऊपर छेड़छाड़ी। 5,000 रुपये आप मांग रहे थे
कि आप महीना दो 5,000 रुपया, इसके लिए मारपीट हुई? नहीं नहीं सर, हमने कुछ मांगने के कुछ नहीं किए, 5,000 रुपये ना 2,000 रुपये, लेकिन हमारे माँ बहन का उधर सवाल है तो हम लोग पैसा कैसे मांगे सर, हमारे तो कुछ रवाल नहीं है। आप दो लोग गए थे, क्या नाम है उनका? मैं अर्जुन कतुज शिंदे और संतोष कांबड़े, हम दो लोग खाली उसको समझाने गए थे तो उसने खाली वो लोग ने हमारे मारपीट हमारे ऊपर मारपीट की। जिस तरह से पूरा मारपीट का मामला हुआ है, एक बार तो पुलिस स्टेशन गया है शिकायत करने के लिए, आप शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन गए या नहीं गए अभी? नहीं सर, अभी जो उसने शिकायत की है ना तो हम लोग शिकायत करने के जरूर जाएंगे उसके लिए। आप भी शिकायत करेंगे? ओके सर, तो हम लोग जरूर करेंगे उसके लिए शिकायत। वहीं इस पूरे मामले में दोनों तरफ से हफ्ता मांगने और मारपीट के मामले की शिकायत दर्ज कराने की बात हो रही थी, मगर हमारे खबर चलाने तक किसी भी पक्ष की तरफ से शिकायत दर्ज नहीं हो पाई थी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।